अब जैसा कि देखिए कि आपके भतीजे का चार्ट जो लिया गया था, और उस दिन जैसे आपने कहा ही था कि दादाजी जो हैं आपके फादर और हर्षित के दादाजी, उनकी वो हॉस्पिटलाइज थे और उसमें सुधार भी बताया था, बल्कि अमित जी ने कहा था जी कि सुधार सुधार जी, सुधार बताया था और अमित जी ने उसमें। कहा था कि नई दिक्कत रह सकती है या उस तरह से, तो जी उन्होंने कहा था राहु जैसे एंटर करेगा 11th में, ओके, राहु जैसे ही 11th में एंटर करेगा, और राहु दादा होता है पता बिल्कुल है। बिल्कुल कारक दादा हुआ। अब यहाँ पे ये है कि आज 18 तारीख है और 16 अप्रैल को रात को उनकी रात को डेथ हुई। तो जी बिल्कुल बीच बीच हो गई अब शाम को यहाँ छू। यहाँ पे तो अगर दादाजी का देखना है तो लगन से नवम भाव पिता का हुआ और नवम से नवम भाव पिता के पिता पिता का, हाँ तो जी यानी कि बिल्कुल फिफ्थ बिल्कुल हाउस दादा का हो गया। तो यहाँ पे हम हाउस रोटेशन करेंगे, फिफ्थ हाउस एज असेंडेंट। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब ये एक तरह से उनके हर्षित के दादाजी की कुंडली एक तरह से, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बनी है, और यहाँ पर तुला लगन है जो कि चर लगन है। तो तुला लगन वालों का दूसरा और सातवां भाव जो है मारक भाव हुआ, 11वां भाव जो है बाधक बाधक भाव हुआ। तो अब यहाँ पे हमारा जो ध्यान है किस तरफ जाएगा? केतु की महादशा तो पीछे से चली आ रही है और चंद्र की अंतर्दशा भी पीछे से चली आ रही है। अब यहाँ पे तब्दीली कहाँ पर है? गुरु की प्रत्यंतर दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गुरु की प्रत्यंतर दशा रही और 12 अप्रैल से 17 अप्रैल शनि की प्रत्यंतर दशा। अच्छा, वो एडमिट कब हुए थे हॉस्पिटल में? उन्होंने एक्चुअली प्रॉब्लम 12 को ही है। ठीक है डॉक्टर कह रहे थे डिस्चार्ज कर देंगे, उन्होंने एक ओके दिन और रख लिया, 2 दिन पहले ही हुए थे, 10 को हुए होंगे 10 11, और वो 12 को डिस्चार्ज करना था, लेकिन उन्होंने कहा चलो आज 12 को और रख लेते हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। तो शाम को ही प्रॉब्लम हो गई फिर एकदम से। तो यहाँ पर शनि की प्रत्यंतर दशा जो है, तो अब हम देखते हैं कि ये शनि किस प्रकार से कुंडली में शो आउट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये दोनों तरह के टेबल ओपन कर रहा हूँ, एक में तो हमें ग्रह नक्षत्र उप नक्षत्र और दूसरे में जो है हमें युति दृष्टि युति भाव युति का पता चलता है। केतु चंद्र शनि, तो यहाँ पे केतु 12वां भाव छठा भाव, चलो ये तो महादशा चली आ रही है। अंतरदशा जो है चंद्र की भी पीछे से चली आ रही थी, तो इसमें भी नेगेटिव हाउस हैं अगर दे, क्योंकि यहाँ पे सिक्स हाउस सिकनेस का भी दिख रहा है, 11th हाउस भी दिख रहा है, 7th हाउस मारक भी दिख रहा है केतु महादशा में भी। लेकिन गुरु की प्रत्यंतरा के बाद शनि की प्रत्यंतरा शुरू हुई, तो शनि की प्रत्यंतरा शनि जो है 7वें भाव। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो शनि 6ठे में स्थित है, 4-5 का स्वामी है। यहाँ पर शनि की 7वें भाव के साथ भाव युति है और सूर्य के साथ उसकी कंजंक्शन है शनि की, शनि और सूर्य। तो सूर्य जो है 6 और 11 दे रहा है, 6ठा भाव रोग का, 11वां भाव जो है बाधक का। मंगल की दृष्टि आ गई है आमने सामने बिल्कुल, और देखिए मंगल लगन में और शनि सप्तम में, तो मंगल 12वां भाव दे रहा है जो कि हॉस्पिटलाइज खर्च व्यय परेशानी आदि को दर्शाता है। अब यहाँ पे 7वां 6ठा और ज़्यादातर देखें तो जब 6 11 भी है तो एक तरह से मारक और बाधक भाव आ गए हैं। 7वां 2रा भाव मारक, 11वां भाव बाधक, 6ठा भाव रोग, 12वां भाव अस्पताल, और 4था भाव जो होता है एक तरह से ये 4था भाव अंत का होता है। तो यहाँ पर ये भी शो हो रहा है, और आज 18 तारीख है तो 16 तारीख शाम को, तो केतु चंद्र शनि शनि के पीरियड में देखा जाए तो ये हुआ। अब यदि ट्रांजिट को देखते हैं तो यहाँ पे 16 अप्रैल और 16 अप्रैल को हर ग्रह का राशि नक्षत्र उप नक्षत्र हमें दिख रहा है।
और महादशा लॉर्ड केतु, और यदि हम केतु को देखते हैं तो चंद्र के उप नक्षत्र से गोचरीय था। चंद्रमा जो है यहाँ पर दशम भाव यानी कि ग्रेवयार्ड को, और 6 और 7 भाव, पहले 2 स्टेप पर 11वां भाव बाधक भी आ गया, 6ठा भाव भी आ गया, 7वां भाव भी आ गया, ये सब यहाँ पे आ रहे हैं। महादशा लॉर्ड केतु धीमी गति का ग्रह, और चंद्रमा जो है अंतरदशा स्वामी तेज गति का, मंगल के नक्षत्र से गोचरीय था, और मंगल भी यहाँ पे आप देखें पहले 2 स्टेप पर 6ठा भाव, 11वां भाव, दशम भाव, ये नेगेटिव भाव हैं। और यहाँ पर प्रत्यंतर दशा और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा स्वामी शनि, तो शनि को हम देखते हैं पहले 2 स्टेप पर ये भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। 7वां भाव, 6ठा भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, 2रा भाव, 4था भाव, ये सब नेगेटिव हैं। 7वां 2रा मारक हो गए, 11वां बाधक हो गया, 4था भाव अंत का हो गया। तो एक तरह से ग्रैंड फादर के लिए यदि हम कहें तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो है रोटेट करने के बाद बिल्कुल नेगेटिव भावों को दर्शा रही है। तो यहाँ पर ये स्थिति साफ तौर पर पता चल रही है। ठीक है, अब ये है कि उन्होंने नाड़ी के हिसाब से देखा कि राहु, राहु का देखा, तो अब राहु यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं मंगल की राशि, सूर्य के नक्षत्र और राहु का ही उप नक्षत्र, तो राहु तो अपने ही, खैर हम तो जिस हिसाब से हमने देखना है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नेगेटिव, जिस धीमी गति का ग्रह जो है वो जिस उप नक्षत्र में गोचरीय था उसके पहले 2 स्टेप में हमने देख लिया, और जो तेज गति का ग्रह है जिस ग्रह के नक्षत्र में था वो उसके पहले 2 स्टेप में हमने देखा, वो नेगेटिव स्थिति पता चली। केतु धीमी गति का, चंद्र तेज गति का और शनि धीमी गति का, तो इनका इस हिसाब से हमने देखा तो नेगेटिव जो है ये पता चला। तो बिल्कुल पोते के चार्ट से दादाजी के बारे में स्थिति जो है साफ तौर पर पता चलती है। जी क्लियर है जी। तो ये जो चार्ट है आशिमा, 3 नवंबर 1996 दोपहर के 1:40 रोहतक हरियाणा, और ये चार्ट यहाँ पर हमने लिया है। और इनका यदि हम देखें कि शुक्र में शुक्र चल रहा है। बिल्कुल शुक्र महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो यहाँ पर एमडी को 11 से देखें, देख सकते हैं मेरे ख्याल से 11 हायर एजुकेशन हो जाती है, एमडी हायर एजुकेशन। एक्चुअली बर्थ चार्ट है, तो 11th का जी सब लॉर्ड तो सूर्य है यहाँ पर, सूर्य जो है 9th हाउस हायर एजुकेशन को दर्शा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 6th हाउस, उससे देखा तो था मैंने एक्चुअल में पहले। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आज 18 अप्रैल है। एग्ज़ाम कब है, कुछ है डेट वगैरह? 21 को है शायद, 21 को, अच्छा अप्रैल में ही, यानी शुक्र शुक्र बुध बुध, तो यहाँ पे शुक्र तो 6th हाउस को स्ट्रांगली दे रहा है, यहाँ पर जो है शुक्र जो है 8th हाउस का ऑक्यूपेंट है, 4-9, और ये शुक्र टेनेंटेड है, बिल्कुल टेनेंटेड है, चंद्र के नक्षत्र में 6-7 है, राहु के उप नक्षत्र में 8 है, और जो राहु है बुध की राशि में 9, 5, 6, 8, तो 9th हाउस तो चलो यहाँ पे एक्टिव है, और यहाँ पे स्ट्रांगली 6th हाउस दे रहा है। और अब यदि बुध को देखते हैं, क्योंकि प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा जो बुध की है, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं बुध स्ट्रांगली 9th हाउस को दे रहा है, साथ में 8th भी आ रहा है, 9th हाउस तो हायर को शो करता है, और 5वां और 8वां भाव कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी दिखा रहे हैं यहाँ पर बुध।
थोड़ा इनको ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और सूक्ष्म दशा, ये अच्छे हाउस तो लिए हुए हैं लेकिन साथ ही नेगेटिव हाउस भी हैं। तो यहाँ पर इनको एक तो 8th हाउस यहाँ पे दिख रहा है, 5th हाउस भी दिख रहा है, 9th भी दिख रहा है, 11th की कमी दिख रही है यहाँ पर 11वें भाव की। सर, इसकी ना ये शुक्र में शुक्र 23 तक है, तो क्या 23 तक हो सकता है? मतलब अभी हाँ अभी है पेपर, तो अभी है फिर इसके दोनों ही, एक ऑल इंडिया लेवल का एक उसका बीस और है। अभी 20 अप्रैल से लेकर 15 मई तक तो शुक्र शुक्र बुध बुध का पीरियड हुआ, तो यहाँ पर शिक्षा के मामले में या हम कहते हैं कि एग्ज़ाम के मामले में जो 4, 9, 11, अब यहाँ पे 9th हाउस तो चलो मिल रहा है, 11 नहीं आया है ना? 11th की कमी है, तो वो 11th ठीक है की ठीक है, कमी, हाँ थोड़ा 9-6 आ गया। 9th और 6th आ गया है। वैसे तो ये है कि चलो 9th हाउस आ रहा है तो पास होने में तो मेरे को दिक्कत नहीं लग रही, वो हो जाएंगी पास हो गया तो हो जाएगा फिर तो, ये ठीक है। पास होने के लिए 9th हाउस होना ज़रूरी है, फोर्थ हाँ हाउस ठीक आ है जाए, 9th हाउस आ जाए, ये अच्छे हाउस हैं पास होने के लिए। 11th हाउस थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया उसमें हो जाता है। ये जैसे सब लॉर्ड लेवल पे 5-8 आ गया, ये बड़े का प्रॉब्लम था तो। सब लॉर्ड लेवल पे 5-8 यदि आ रहा है तो देखा जाए तो 5-8 आ रहा है, कमजोर कर रहे हैं ना सर, कमज़ोर, इसलिए हाँ इश्यू है। कमज़ोर कर रहा है उतनी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना वो सोच रहे हैं उससे कुछ कम होकर एक तरह से रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और, यहाँ पर अभी अगर टाइम है तो थोड़ा और इनको ज़्यादा थोड़ा एफर्ट्स करने को कहिए बस। अब पता है क्या है, देखो दशा जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भावों के लिए है, तो इसे सीधी सी बात है कि बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते लेकिन बुरा होगा ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ ये है कि एफर्ट्स और ज़्यादा कर लें तो बेटर है, यहाँ पर हम यही कह सकते हैं ठीक है पर जी। प्रॉमिस तो है, जैसे 6 का देखें तो 6-9 आ रहा है तो प्रॉमिस तो हो गया ना। प्रॉमिस यहाँ पे एक्चुअली हम दशा को देख रहे हैं ना, अच्छा वैसे देखने तो वैसे दशा प्रॉमिस दशा को देख रहे हैं कि दशा, अब एग्जाम के दौरान जो दशा चल रही है वो जो इसके पॉजिटिव हाउस हैं क्या उनको दे रही है। अब सीधी सी बात है कि पास होने के लिए यदि हम बात करते हैं कि उसमें चौथा भाव जो है, और जैसे सर शुक्र में शुक्र तो बड़े टाइम से चल रहा है, तो पीछे भी इसका पेपर हुआ है नहीं हुआ क्लियर, तो अब सूक्ष्म में कोई अच्छी आएगी वो करवा सकती है, इसका मतलब ये। तो बुध की आ रही है ना, हाँ जी और बुध को आप देखें यहाँ पे 9th हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस दे रहा है, तो यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो 9th हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस सब लॉर्ड भी पे ठीक है सिक्स यहाँ पर। सिक्स हाउस भी दे रहा है, तो ये फिर भी बेटर है। हम ये कहते हैं कि परीक्षा में सफलता के लिए 4, 9 या 11 में से किसी भाव का कार्येश हो, तो 4 और 9 का कार्येश तो है ठीक है चार में छह का भी है। जी। अब यहाँ पे दशा, क्योंकि ये दशा को देख रहे हैं, प्रश्न कुंडली ली होती तो फिर हम चौथे और लाभ भाव यानी कि 11वें भाव के उपनक्षत्र थे, चौथे भाव का उपनक्षत्र शुक्र है, 11वें भाव का उपनक्षत्र सूर्य है, और शुक्र जो है वो 9th हाउस दे रहा है, 6th हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, तो पासिंग हाउस जो है 4, 9 या 11 में से 4 और 9 तो दे ही रहा है, और दशा स्वामी जो है शुक्र, अंतरदशा स्वामी शुक्र, प्रत्यंतर दशा स्वामी बुध और सूक्ष्म दशा स्वामी बुध, ये भी जो है 9th हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस दे रहे हैं, 6th हाउस दे रहे हैं, साथ में 5-8 दे रहे हैं, तो उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं कि पास होने की स्थिति दिख रही है। वो तो फिर पेड सीट ले लेंगे ये तो पास हो गई। जी तो यहाँ पर तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं ठीक है थैंक जी यू सर।
जी, अभी हम यहाँ पर ये होरारी प्रश्न है, जॉब वेन गेट वेन, मतलब कब तक जॉब मिलेगी, 20 फरवरी 2022 को शाम के 5:58 छः सेकेंड, महाराष्ट्र पंढरपुर में ये प्रश्न था जो देखा गया था। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि दशम भाव का उपनक्षत्र बुध है, छठे भाव का भी उपनक्षत्र जो है बुध है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुध है पांचवें में स्थित है और 2/11 का स्वामी है, चंद्र के नक्षत्र में 2/12 और मंगल के उपनक्षत्र में 5/4/9, और यहाँ पर बुध जो है अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर छठे भाव का दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है जो कि मुख्य भावों के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस मिलेगा। और यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा भी यदि हम देखते हैं कि प्रश्न की सार्थकता, तो चंद्रमा दूसरे में स्थित 12वें का स्वामी, परेशानी धन के संबंध में परेशानी, मंगल के नक्षत्र में 5/4/9, पांचवा भाव जो है वो भी नौकरी का व्यय भाव है और नवम भाव जो है दशम का व्यय भाव है और उपनक्षत्र पर भी 9, तो ये चंद्रमा के द्वारा सार्थकता। और उसके बाद छठे और दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, और जो बुध है यदि हमने देखा कि एक तो वो अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर वो छठे भाव का दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11 2 5 10, तो ये एक तरह से प्रॉमिस दे रहा है कि जो है जॉब मिलेगी। अब ये प्रश्न पूछा गया था 20 फरवरी 2022 को, मंगल की महादशा राहु की अंतर्दशा ये क्या स्थिति दर्शाती है। मंगल जो है अपने नक्षत्र शुक्र के द्वारा दशम भाव और उपनक्षत्र बुध के द्वारा 2/11, यहाँ पर ये स्थिति है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो मंगल 2 6 10 11 में से 10 और 11 भाव दे रहा है, दूसरा भाव दे रहा है, और यहाँ पर भी हमने देखा मंगल जो है टेनेंटेड है, मंगल शुक्र बुध और बुध आगे चंद्र के नक्षत्र में दूसरा भाव, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंगल महादशा स्वामी जो है वो पॉजिटिव है, 10 2 10 11 भाव तो यहाँ दे रहा है। अंतरदशा स्वामी राहु, और राहु को यदि हम देखते हैं तो वो सूर्य के नक्षत्र में छठा भाव और गुरु के उपनक्षत्र में छठा भाव, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राहु अंतरदशा भी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये मजबूत भाव जो है छठा भाव और ये दशम भाव, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि मंगल की महादशा राहु की अंतरदशा जो है ये पॉजिटिव है। और मंगल राहु 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 25 फरवरी, मंगल राहु राहु गुरु 25 फरवरी से 5 मार्च, प्रश्न पूछा गया था 20 फरवरी, तो मंगल राहु राहु पॉजिटिव है। अब उसके बाद राहु को हमने देखा, उसके बाद 25 फरवरी से 5 मार्च तक गुरु की सूक्ष्म दशा, और गुरु यहाँ पर छठा भाव शो कंसोलिडेटेड में, छठा भाव दशम भाव उपनक्षत्र पर भी छठा भाव, तो ये भी पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर तो दशम भाव दे रहा है प्रोफेशन के भाव को, तो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो ये मतलब कि यहाँ तक पॉजिटिव ही है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो शनि बुध केतु इस प्रकार से मंगल राहु राहु में, तो गुरु के बाद शनि, शनि पौध देखिए आप 5/9 आ रहा है, ये भी बुध भी जो है 4/5/9 आ रहा है, पॉजिटिव नहीं है, ये शनि का 14 मार्च तक और बुध का 22 मार्च तक, तो ये पहले दो यहाँ पर ही पॉजिटिव दिख रहा है 5 मार्च तक, तो इनको एक तरह से इस दरमियान जॉब जो है मिल जानी चाहिए ऐसा इनको बताया गया। इनको जो है 27 फरवरी को ही जॉब जो है मंगल राहु राहु गुरु के पीरियड में 27 फरवरी को ही जो है जॉब मिल गई थी।
तो ये बड़े आराम से आप ये देखिए कि सीधी सी बात है, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे में ये है कि अगर होरारी प्रश्न दिया है, चंद्रमा के द्वारा सार्थकता देखी है, उसके बाद प्रॉमिस को देखा है, प्रॉमिस देखने के बाद दशा अंतरदशा, महादशा पॉजिटिव दिखी, अंतरदशा पॉजिटिव दिखी, प्रत्यंतर दशा भी पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये पीरियड हमें दिखा उसके अंतर्गत बता दिया कि ये तब तक जॉब मिल जाएगी। तो जातक को इस प्रकार का उत्तर बताकर और बाद में जब फीडबैक की इतनी तारीख तक जॉब मिल गई, तो सीधी सी बात है हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं और देखने का तरीका इसी प्रकार से ही है। अब तक तो हमने जिस प्रकार से इतनी एग्जाम्पल्स की हैं तो आपको भी अच्छे से पता चला होगा कि बताने से पहले ही कि कहाँ पे ये हमें जो है पॉजिटिव दिख रहा है, किस प्रकार से हम बता सकते हैं, तो ये बड़े आराम से इनके विश्लेषण किए जा सकते हैं। क्लियर है आपको? जी गुरु जी, जी, तो इसी तरह से ही हम किसी ना किसी उदाहरण को जो है करते हैं। अब ये जैसे पिता ने बेटे के लिए पूछा कि ट्रैवल के लिए कि बेटा जो है उसका वीज़ा वगैरह जो था मिल चुका था और कंपनी की तरफ से जाना था, तो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह की, तो उन्होंने पूछा कि क्या वो जा पाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए थे, सिर्फ 4 या 5 दिन रह गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि 8 अक्टूबर 2018 को होरारी नंबर जो था 83, तो पुराना उदाहरण है। अब जैसा कि हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर में सेटिंग होता है, तो हम प्लेस हमारा नेटिव प्लेस जो हमारा होता है वो हमारा मतलब कि हमेशा आता है। तो अब यहाँ पर पहले तो हम डिटेल भर लेंगे, उसके बाद हम होरारी चार्ट पर क्लिक करेंगे। होरारी चार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट और टाइम आता है जो कि हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो वो कहता है कि एंटर टाइम प्लीज़ प्रेस स्पेस बार और ज़ीरो अगर आपने वो भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, इसको ओके करूँगा। अब वो पूछ रहा है होरारी नंबर, होरारी नंबर 83 दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने होरारी नंबर 83 भर दिया है, इसको ओके किया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्लेस जो है थाने में ये प्रश्न जो है, तो एक तो ये देखिए कि हमेशा मैं ये करता होता हूँ, जैसे थाने मैंने लिखा और सीधा नहीं उसको मैंने लिया, मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हरियाणा थानेसार आ रहा है, तो फाइंड करूँगा और फाइंड नेक्स्ट महाराष्ट्र थाने प्रॉपर आ गया, एक्सेप्ट किया, तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी सही आ गए, इसको मैंने क्रिएट चार्ट कर दिया है। तो 8 अक्टूबर 2018 को 5:13:50 और होरारी नंबर 83 थाने, तो ये यहाँ पर प्रश्न जो है पिता ने पुत्र के लिए पूछा है। हाउस रोटेट हम करेंगे, उससे पहले हम एक बार चंद्रमा की स्थिति भी देख लें कि वो क्या दर्शा रहा है, फिर हम हाउस रोटेट करेंगे। चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, पहले का स्वामी अपने ही नक्षत्र में रिइंफोर्स है, राहु के उप नक्षत्र में 12वां भाव विदेश को दर्शाता है, और यहाँ पर राहु जो है यदि हम देखते हैं तो वो चंद्र की ही राशि में है, 2 और 1 शो कंसोलिडेटेड करते हैं, तो चंद्र चंद्र राहु, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वां भाव विदेश का है, 10वां भाव क्योंकि कंपनी की तरफ से और 6ठा भाव जॉब से रिलेटेड, तो ये भाव यहाँ पर इंगित हो रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं साथ में क्रॉस चेक 4 स्टेप से करते हैं, तो चंद्रमा 2 1 यहाँ पे 5 7 8, 5 7 8 का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वो वेरिफिकेशन है या जो भी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके संबंध में है, रुकावट 8वें भाव को रुकावट हम कह सकते हैं, और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है। अब इसके बाद हम ये दोनों टेबल को क्रॉस करके बंद करेंगे क्योंकि हमने हाउस रोटेशन करना है। तो यहाँ पर पिता ने पुत्र के लिए पूछा है, तो हाउस रोटेशन हम करेंगे 5th हाउस, सेट 5th हाउस एज असेंडेंट। तो अब यहाँ पर ये हाउस रोटेशन हमने कर लिया है और प्रश्न था विदेश जाने के संबंध में, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 9 12 का कार्यश हो तो विदेश जाया जा सकता है, तो यहाँ पर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी आप देख रहे हैं जो कि शुक्र आ रहा है, तो शुक्र की हम स्थिति देखते हैं वो क्या दर्शा रहे हैं।
शुक्र जो है अनटेनेंटेड है, और सीधी सी बात है कि अनटेनेंटेड होकर यहाँ पे देखिए आठवें का और बारहवें का उपनक्षत्र समय बना है। आठवां भाव एक तरह से रुकावट जो आई रही थी, और बारहवां भाव जो विदेश का है तो क्लियर कट उसका भी प्रॉमिस दे ही रहा है अनटेनेंटेड होकर। और यहाँ पर शुक्र ग्यारहवें में स्थित है, सात बारह का स्वामी है, बारहवां भाव, राहु के नक्षत्र में आठवां भाव, और शुक्र आगे अपने ही उपनक्षत्र में बारहवां भाव दे रहा है, ग्यारहवां भाव इच्छा पूर्ति दे रहा है, तो प्रॉमिस बड़ा अच्छे से मिल रहा है। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए नवम भाव आ गया, नवम भाव आ गया है, ग्यारहवां भाव इच्छा पूर्ति का आ गया है। हालांकि 3, 9, 12 में से यदि हम देखें तो यहाँ पे नवम भाव आ रहा है और हमारे यहाँ के अकॉर्डिंगली बारहवां भाव आ रहा है 3, 9, 12 में से, तो ठीक है प्रॉमिस है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉमिस है तो ये फॉरेन ट्रेवल एक तरह से दिखा रहा है। अब प्रश्न जो पूछा गया था 8 अक्टूबर 2018 को, तो चंद्र राहु गुरु यानी कि चंद्र राहु गुरु का ये पीरियड जो है 27 नवंबर 2018 तक है। चंद्र राहु गुरु इन तीनों को हम देखेंगे, तो हमने यहाँ पर अगर जल्दी से देखते हैं तो चंद्रमा जो है 3, 9, 12 में से नवम भाव दे रहा है। शो कंसोलिडेटेड करते हैं तो चंद्र उपनक्षत्र राहु के द्वारा भी नवम भाव को दे रहा है, और उसके बाद अंतरदशा स्वामी राहु को देखते हैं नवम भाव तीसरा भाव, और तीसरा भाव उपनक्षत्र पे भी दे रहा है, और प्रत्यंतर दशा स्वामी गुरु को देखते हैं तो बारहवां भाव दे रहा है उपनक्षत्र पर, नवम भाव दे रहा है। चंद्र राहु गुरु ये पॉजिटिव दिख रहे हैं यदि आप देखें तो, यहाँ पर चंद्र राहु गुरु पॉजिटिव दिख रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं प्रश्न पूछा गया था 8 अक्टूबर को यानी 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर, तो ये एक तरह से लंबा पीरियड है, उन्होंने 4-5 दिन का पूछा था। तो यहाँ पे सूक्ष्म दशा बुध की है, तो बुध क्या दर्शा रहा है यदि हम देखें तो बुध यहाँ पर जो है, क्योंकि सूक्ष्म दशा स्वामी अपने उपनक्षत्र के द्वारा बारहवां भाव में दे रहा है, और बुध जो है बारहवां भाव दे रहा है उपनक्षत्र के द्वारा, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और यहाँ पर यदि देखते हैं तो बुध जो है, क्योंकि ये फोर्थ स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ स्टेप पे 9th हाउस दे रहा है, तो एक तरह से ये भी वो गुरु पॉजिटिव। जी आपने 6 स्टेप दिखाया ना, उसके अंदर शायद आ जाए, ऐसा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे चंद्र राहु गुरु बुध, तो चंद्र यहाँ पे आपको देखिए क्लियर कट आपको पता लगेगा कि चंद्र जो है 9th हाउस को दे रहा है, अंतरदशा स्वामी राहु, और ज्यादातर हमें उपनक्षत्र पे देखनी होती है स्थिति, ठीक है, चंद्र राहु और उसके बाद गुरु, गुरु भी उपनक्षत्र पे पॉजिटिव है, चंद्र भी उपनक्षत्र पे पॉजिटिव है, राहु भी उपनक्षत्र पे पॉजिटिव है, और सूक्ष्म दशा स्वामी बुध भी उपनक्षत्र पे बारहवां भाव दे रहा है, पॉजिटिव है। तो 4-5 दिनों के अंतर्गत उन्होंने पूछा था, 8 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया, 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 4-5 दिन से ज़्यादा का टाइम ऑफ पीरियड है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर यहाँ पे जो है दिख रहा है। और जैसा कि 13 अक्टूबर 2018 को इनकी फ्लाइट जो थी फाइनली गई थी, तो यहाँ पर ये क्लियर कट जो है पता चलता है, तो ये उदाहरण भी आपको क्लियर है। अभी गुरु जी क्या है, इतने सारे उदाहरण लिए ना तो शॉर्टकटली समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे ही नियम से करना है। क्या है, अभी समझ में जल्दी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से ही हमें जो है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका भाव पकड़ लेना है और उसका सबलॉट देख लेना है, और वो प्रॉमिस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है वो चेक कर लेना है, और महादशा में चेक कर लेना है, यानी रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी प्रकार से ही हम जो है यहाँ पर उदाहरणों को कर सकते हैं। मेनली आप यही ध्यान में रखें कि जो प्रश्न आया है उस प्रश्न का हमें नियम पता हो, यदि हमें नियम पता है और उसको हम फॉलो करते हैं उसी हिसाब से, तो इजीली हम फिर जब भी आप मान लो क्लाइंट आया आपके पास तो आप ऐसे जल्दी से भी 5-10 मिनट में ही उत्तर दे सकते हैं।
आपको क्लियर है बिमला जी? वो जॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ही